शिक्षक का समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा व्यक्ति के भविष्य को बनाया जाता है। शिक्षक ही वह इंसान होता है जो इंसान को इंसान बनाता है। पर जब शिक्षक पर लाठी उठाई जाए तो कैसा लगेगा? ये नजारा है पटियाला का, जहां पर शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया गया। देश में विधानसभा चुनाव सर पर है और सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हैं। वहीं पंजाब की कांग्रेस सरकार के सीएम ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए आज पटियाला में अपनी सभी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हजारों शिक्षकों पर ठंडे पानी के बुछारे कर दरिंदगी का सबूत दिया। कई महिला शिक्षकों को चोटें भी लगी। आप खुद स्क्रीन पर देखें कि सर्दी के मौसम में कैसे उन शिक्षकों को सरेआम ठंडे पानी के बुछारों से नहलाया जा रहा है, जो शिक्षक देश का भविष्य सृजने में अहम भूमिका निभाते हैं। पंजाब के शिक्षक पिछले लंबे समय से पक्का होने की मांग को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार को अपना चुनावी वादा पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम राहुल जी से पूछना चाहेंगे कि जरा इस वीडियो को देखकर इस बार बता दीजिए कि पंजाब में आपकी सरकार समाज के सृजक शिक्षकों के साथ वादा कर मुकर रही है, तो आप बाकी देश के साथ किए वादों को पूरा करेंगे, इसकी क्या गारंटी आप देते हैं? राहुल जी, पहले पंजाब को संभाले, कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षकों पर पड़ रही यह पानी की बौछारें आपके प्रधानमंत्री बनने के सपने को धो दें। पंजाब सीएम ने बार बार तारीख देकर शिक्षकों को मिलने का आज तक वक्त नहीं दिया, लेकिन मुलाकात ही नहीं कर रहे। तभी शिक्षक खुद सीएम से मिलने पहुंचे तो उनका स्वागत ऐसे किया जा रहा है। 3 वर्ष कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद कानून इन्हें पूरे स्केल के साथ पक्का करने का हक है, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से भाग रही है।